यूट्यूबर और बिग बॉस 2 ओटीटी के विनर एल्विश यादव से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है, जहां पर नोएडा पुलिस ने एल्विश यादव को नोटिस भेजा था और नोटिस का जवाब देते हुए एल्विश यादव ने गुपचुप रात को मंगलवार को नोएडा पुलिस के सामने आत्मसमर्पण किया और समर्पण के बाद सवाल जवाब जारी है। आइए देखते हैं पूरी रिपोर्ट। बिग बॉस ओटीटी 2 के विनर एल्विश यादव समेत 5 के खिलाफ नोएडा में एफआईआर दर्ज की गई है। उन पर क्लबों और पार्टियों में जहरीले सांपों की तस्करी करने और गैर कानूनी रूप से रेव पार्टी ऑर्गेनाइज करवाने समेत कई गंभीर आरोप लगे हैं। वहीं इस एफआईआर के बाद एल्विश ने वीडियो जारी कर अपने ऊपर लगे सारे आरोपों को गलत बताया है। एल्विश यादव ने वीडियो के जरिए अपना पक्ष रखा है। एल्विश ने कहा है कि उन पर लगे आरोप गलत हैं। सोशल मीडिया पर जारी वीडियो में एल्विश कह रहे हैं, जो मेरे खिलाफ फैल रही है, जितने भी आरोप मेरे ऊपर लगे हैं वो बेबुनियाद हैं। मैं पुलिस के साथ सहयोग करने के लिए तैयार हूं। उन्होंने आगे कहा, मैं सीएम योगी और पुलिस से कहना चाहूंगा कि मेरा 1% भी इन्वॉल्वमेंट मिल जाती है तो जिम्मेदारी लेने के लिए मैं तैयार हूं।